प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान का जो 10वां अध्याय है, तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। तरंग प्रकाशिकी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका यहाँ पढ़ने का औचित्य क्या है, इसको जानने के लिए हम आपको पिछली कक्षा, पिछले अध्याय से जोड़ना चाहते हैं कि बच्चों, पिछले चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के अंतर में आपने देखा कि प्रकाश के किरण स्वरूप का प्रयोग करते हुए प्रकाश की विभिन्न घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण आदि का अध्ययन किया गया। वहाँ हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश का जो गमन का पथ माना वो सरल रेखीय था, लेकिन प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, जिसका अध्ययन, जिसकी व्याख्या इस किरण प्रकाश की या ज्यामिति प्रकाश की से नहीं की जा सकती, वहाँ हम प्रयोग करते हैं तरंग प्रकाश की का। तरंग प्रकाश की दो शब्दों से मिलके बना है, एक है तरंग और दूसरा है प्रकाश की। तरंग से आप भली भांति से परिचित हैं, पिछली कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो तरंग प्रकाश की क्या है? तरंग प्रकाश की प्रकाशिकी की वह शाखा है जो प्रकाश के तरंग स्वरूप का प्रयोग करके व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि परिघटनाओं का अध्ययन करती है, जिसका कि किरण प्रकाश की या ज्यामिति प्रकाश की कोई निश्चित परिणाम या रिजल्ट नहीं देती। तो बच्चों, आइए आज हम अपना नया चैप्टर तरंग प्रकाश की स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या क्या आज का शिक्षण बिंदु है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम तरंगाग्र के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद तरंगाग्र के प्रकार, फिर हाइगंस का सिद्धांत। हाइगंस का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम समतल तरंगों के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करेंगे। उसके बाद समतल तरंगाग्र का विभिन्न पृष्ठों से अपवर्तन तथा परावर्तन को देखेंगे। फिर लास्ट में हम डॉपलर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? समान कला में दोलन करते हुए सभी बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। जैसे कि ये वेव्स हैं जो किसी माध्यम में संचरण कर रही हैं, अगर हम यहाँ पे श्रृंग लें तो इस पे स्थित सभी बिंदु एक निश्चित कला में होंगे, और इसका जो ये बिंदुपथ है ये क्या है, यही इसका तरंगाग्र है। चूँकि प्रकाश स्रोत, जो भी तरंग स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी आधार पे ये तरंगाग्र के भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। हम बात करते हैं गोलीय तरंगाग्र की। तो माध्यम के एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय होता है। मान लीजिए कि किसी माध्यम में तरंग का संचरण एक बिंदु स्रोत से हो रहा है, ये पी है, और सभी दिशाओं में हो रहा है, तो पी को, बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर यदि हम बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर ये जैसे ये प्रकाश का संचरण है सभी दिशाओं में हो रहा है, इस बिंदु स्रोत को हम केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचे तो इस पे स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होंगे और ये कहलाएगा गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब नेक्स्ट है हमारा समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। जब माध्यम में तरंगे एक निश्चित दिशा में संचरण कर रही हैं तो तरंग संचरण के लंबवत ऐसा पृष्ठ अगर हम खींचें जिस पर स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होंगे तो वो कहलाएगा समतल तरंगाग्र। जैसे कि माध्यम में सपोज करिए कि तरंग संचरण का ये डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर अगर हम
कोई पृष्ठ लेते हैं तो इस पे स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होंगे, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये होगा समतल तरंगाग्र। यदि हम गोलीय स्रोत को से निकलने वाली जो तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र है, बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगाग्र, उसको अनंत से देखें तो जो हमें तरंगाग्र प्राप्त होगा उसको हम प्लेन तरंगाग्र ले सकते हैं। मतलब अगर बिंदु स्रोत से बहुत अधिक दूरी पे हम तरंगाग्र ले रहे हैं तो हमें प्लेन वेव फ्रंट उसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, वो है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि माध्यम में तरंगे एक रेखीय स्रोत से संचरित हो रही हैं, सपोज करिए ये एक रेखीय स्रोत है जिससे कि तरंगों का संचरण सभी दिशाओं में हो रहा है, तो इस रेखीय स्रोत को अक्ष मानकर यदि हम कोई बेलनाकार पृष्ठ लें तो इस पृष्ठ पे स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होंगे और इसे हम बोलेंगे बेलनाकार तरंगाग्र या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बच्चों, आपने तरंगाग्र का अध्ययन कर लिया, अब हम बात करते हैं हाइगंस के सिद्धांत की। हाइगंस का नाम आपने सुना होगा, क्रिश्चियन हाइगंस एक डच भौतिकविद, खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ थे जिनको प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रणेता के रूप में जाना जाता है। हाइगंस ने ये कहा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। चूंकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने ये कहा कि इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है और प्रत्यास्था बहुत ही अधिक होती है, ये सभी माध्यम में गमन कर सकता है। हाइगंस ने तरंग संचरण किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगंस का सिद्धांत, हाइगंस का तरंग सिद्धांत या हाइगंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से के नाम से जाना जाता है। हाइगंस का जो प्रथम ये सिद्धांत है वो है तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत होता है और इस स्रोत से निकलने वाली तरंगिकाएं तरंग की चाल से माध्यम में फैलती हैं। इन बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जानते हैं। दूसरा था कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का उभयनिष्ठ स्पर्शक पृष्ठ खींचा जाए तो यह पृष्ठ उस क्षण उस तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। मान लीजिए जैसे कि ये है कोई F1 F2 तरंगाग्र, तो तरंगाग्र पे जो भी ये बिंदु होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे और ये T=0 टाइम पे इसकी पोजीशन है। हम ये जानना चाहते हैं कि T=tau टाइम बाद कि तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी। तो उस क्षण भले हम ये जाने के सपोज करें ये बिंदु A है, तो A से T=tau टाइम बाद तरंग कितनी दूरी चलेगी, तो वो होगा V=tau। अगर भी माध्यम में तरंग की चाल है तो हम V=tau त्रिज्या का अगर यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करें ऐसे ही सारे बिंदुओं पे और उसका उभयनिष्ठ ये स्पर्शक पृष्ठ लें तो यही तरंगाग्र की स्थिति नई स्थिति G1 G2 होगी जो T=tau टाइम पे इसकी स्थिति को बताएगा। इस मॉडल का एक दोष यह है कि अग्र तरंगों के साथ साथ एक पश्च तरंग भी प्राप्त हो रहा है। अगर आप पीछे भी एक उभयनिष्ठ स्पर्शक ले लें तो ये D1 D2 भी प्राप्त हो रहा है और हाइगंस ने ये बोला कि अग्र तरंगों का आयाम अधिकतम होता है, पश्च तरंगों का आयाम जीरो होता है, इसलिए उन्होंने पश्च तरंगों को अपने मॉडल में अनुपस्थित मांगा, उन्होंने अग्र तरंगों को लेकर ही व्याख्या की। जैसे इस फिगर में है गोलीय तरंगाग्र है, इसमें D1 D2 क्या है, ये पश्च तरंग के लिए है और G1 G2 अग्र तरंग है। बच्चों, आपने हाइगंस का सिद्धांत समझ लिया है, आइए हम हाइगंस के सिद्धांत द्वारा समतल तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो मान लीजिए P P डैश एक इंटरफेस है
अंतरा पृष्ठ है जो कि माध्यम वन और माध्यम टू को अलग करता है। कोई भी तरंग अग्र है ए बी जो इस पे आई एंगल पे आपतित हो रही है। बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई पृष्ठ है ये P1 P2 कोई पृष्ठ है जो माध्यम वन और माध्यम टू को अलग कर रही है। अगर कोई तरंग आ रही है ऐसे, अगर ये दूसरा माध्यम चेंज नहीं होता तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाती। चूंकि अपवर्तन है, आपने पढ़ा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो जब कोई तरंगे, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में इस पे आपतित हो रही हैं, अब क्या होगा कि ये अभिलंब की ओर झुकेंगी। और इस तरंगों का, अगर हम कोई तरंगाग्र लें, वो है सपोज करो ए बी, ये जो आपतन कोण है यहाँ पे आई है, चूंकि तरंगाग तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे तरंग माध्यम दूसरी माध्यम में चेंज होगी, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस आई और ये एंगल हो जाएगा आई। अब दूसरे माध्यम में जाने पे तरंग अगर विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पे ये एंगल है आर। अब ये तरंगाग्र ए बी की हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरे माध्यम में स्थिति क्या होगी। तो हम ये मान लें कि अगर ये बी से सी तक पहुँचने में यहाँ की तरंगों को टाइम टाउ लगता है तो निश्चित ही ए पर स्थित जो भी तरंगिकाएँ होंगी वो दूसरे माध्यम में टाउ टाइम तक गति करेंगी। और वो कितनी गति करेंगी, वो भी टाउ। अगर V2 माध्यम 2 में वेग है और V1 माध्यम 1 में, यहाँ से हम एक स्फीयर ड्रॉ करें या आर्क खींचें और उसको सी से मिला दें तो ये जो स्थिति होगी, ये जो नई स्थिति ई सी, वही तरंगाग्र ए बी की स्थिति होगी। और ये आर है, ये 90 माइनस आर होगा और ये 90 डिग्री होगी क्योंकि हम यहाँ पे एक आर्क लिए और उसको इस पॉइंट से मिलाए हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल आर। तो बच्चों ये फिगर अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से है। अब चित्र से देखिए, ए ई इजकल टू वी टू टाउ, बी सी इजकल टू वी वन टाउ। त्रिभुज ए बी सी में साइन आई इजकल टू बी सी, ए बी बी सी अपान ए सी इजकल टू वी वन टाउ अपान ए सी, साइन आर इजकल टू ए ई अपान ए सी इजकल टू वी टू टाउ अपान ए सी। और यहाँ से हमें प्राप्त होता है साइन आई साइन आर इजकल टू वी वन अपान वी टू। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि यदि आर आई से कम है, अर्थात जो आपतित किरण है दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक रही है, तो उस समय तरंग का जो वेग होगा दूसरे माध्यम में जाने पे वो कम हो जाएगा पहले माध्यम के कंपैरिजन में, जो कि कणिका मॉडल का के प्रेडिक्शन का जस्ट अपोजिट था। और बाद के साइंटिस्टों के प्रयोगों ने इस मॉडल की जो ये व्याख्या थी उसको सही ठहराया। अब अगर माध्यम वन में अपवर्तनांक N1 है, माध्यम टू में अपवर्तनांक N2 है, तो N1 इजकल टू हो जाएगा C बाई V1, N2 इजकल टू C बाई V2। और इसको समीकरण में रखने पे हमें प्राप्त होगा साइन आई अपान साइन आर इजकल टू N2 अपान N1, या ये कह लें N1 साइन आई इजकल टू N2 साइन आर। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है। और हम ये मान लें कि माध्यम वन में जो तरंग के तरंग है लेमडा 1 है, माध्यम 2 में लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 V1 अपान V2 होगा। इसको समझ लीजिए, हम ये मानते हैं कि B से C की जो दूरी है लेमडा 1 है, अर्थात एक यहाँ पे जो श्रृंग होगा वो भी यहाँ पे भी श्रृंग पहुँचेगा तो एक लेमडा 1 दूरी तय करेगा। तो जितने में अगर वहाँ का श्रृंग यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे भी जो श्रृंग होगा वो E तक पहुँचेगा, इसलिए हमने लेमडा 2 लिया। तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इजकल टू V1 अपान V2, इसे हम लिख सकते हैं V1 अपान लेमडा 1 इजकल टू V2
अपान लैम्डा 2, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वी वन अपान लैम्डा 1 होता है, वो होता है आवृत्ति, वेग बटे तरंग दैर्ध्य बराबर आवृत्ति होती है। मतलब अगर तरंगे, प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य और वेलासिटी परिवर्तित हो जाएगी, जबकि फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बच्चों, अभी आपने देखा कि विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन हो रहा था, आइए देखते हैं कि सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन में क्या होता है। सेम वही होगा, यहाँ पे भी रिजल्ट स्नेल्स लॉ जो होगा कि N1 साइन I इजकल टू N2 साइन R ही मिलेगा। अगर हम एक केस ये लें कि अगर आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो, क्रांतिक कोण क्या होता है, किसी माध्यम में सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है क्रांतिक कोण। तो अगर हम I बराबर IC रखें, R बराबर 90 डिग्री रखें, तो साइन IC इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान N1। और यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे IC है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे जैसे हम आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ाएंगे तो ये जो अपवर्तित किरण, इसमें एक भी अपवर्तित किरण नहीं मिलेंगी, बल्कि जो तरंगाग्र का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाएगा, अर्थात इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम हाइगन सिद्धांत द्वारा समतल तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। मान लीजिए MN एक परावर्तक पृष्ठ है जिसपे AB एक समतल तरंगाग्र है, I कोण पे आपतित हो रही है, ठीक है। B से C तक पहुंचने में ये तरंगिकाएं यहाँ की टाउ टाइम लगा रही हैं, तो जितने टाइम में बी से सी तक यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ तरंगे परावर्तित होके उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 'R', अब सेम जैसे मैंने समझाया था कि ये I है तो ये 90 माइनस I होगा, यहाँ पे I है। इसी तरह इस त्रिभुज में, इसमें देखिए कि ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस R होगा, तो ये एंगल R हो जाएगा। अगर हम मान लें कि माध्यम में प्रकाश की चाल भी है तो त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AE इजकल टू BC इजकल टू भी टाउ। AC क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है। AC देखिए दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और एंगल AEC इजकल टू एंगल ABC इजकल टू 90 डिग्री। इस प्रकार त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे, चूंकि सर्वांगसम है तो इनका जो और भुजाएं और जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए एंगल I इक्वल टू एंगल R। और परावर्तन का यही नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों, हाइगंस के सिद्धांत द्वारा आपने समतल तरंगों के अपवर्तन परावर्तन को देखा। हाइगंस सिद्धांत की सफलता ये थी कि इस सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की और व्यतिकरण विवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या की गई, जबकि ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी व्याख्या करने में ये सिद्धांत असफल रहा। और माइकल्स मोल्डे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि जो हाइगंस ने कल्पना की थी इथर माध्यम की, वो कल्पना जो थी वो सही नहीं थी, वो गलत साबित हुई कि वो कल्पना निराधार थी। अब हम आइए समतल तरंगाग्र का विभिन्न पृष्ठों से अपवर्तन तथा परावर्तन देखें। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, एयर में रखा हुआ है, वायु में रखा गया है, उस पर आपतित समतल तरंगाग्र है, जो ये समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की जो तरंगिकाएं हैं, चूंकि प्रिज्म का
ऊपर का शीर्ष जो है वो पतला है, आधार चौड़ा है, तो ऊपर की तरंगिकाएं इसमें कम टाइम लेंगी, बाहर ज़्यादा समय लेंगी, और इसमें जो नीचे आधार की ओर से होके जाने वाली जो तरंगे हैं वो माध्यम में विलंबित हो जाएंगी और बाहर एयर में वो कम ट्रेवल करेंगी, और इस प्रकार ये जो तरंगाग्र है वो झुक जाएगा। इसी प्रकार यदि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, जो कि किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो जब ये किनारों से गुजरने वाली तरंगे जो होंगी वो बिंदु F की तरफ अपसरित हो जाएंगी, और चूंकि बीच वाला जो तरंगे इसके ध्रुव से होके जाएगा वो क्या होगा, बीच के पार्ट में ज़्यादा देर तक ये टाइम लेगा, विलंबित होगा, इस प्रकार जो हमको तरंगाग्र प्राप्त होगा वो होगा गोलीय। इसी प्रकार यदि हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, इस पे एक आपतित समतल तरंगाग्र है, तो हमें जो रिजल्टेंट बाद में इसमें परावर्तन के बाद जो तरंगाग्र प्राप्त होगी वो भी गोलीय होगी। बच्चों, आपने वायु में डॉपलर प्रभाव देखा है, पढ़ा है पिछली कक्षा में, अब हम प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में होने वाला आभासी परिवर्तन को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे ध्वनि और प्रकाश स्रोत में होने वाले डॉपलर प्रभाव में एक बड़ा अंतर है कि ध्वनि में केवल इस बात पे निर्भर नहीं होता था कि स्रोत और श्रोता में गति हो रही है, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है डॉपलर प्रभाव कि गति कौन कर रहा है, श्रोता या स्रोत। जबकि लाइट में डॉपलर इफेक्ट, प्रकाश में क्या होता है कि इस बात पे निर्भरता नहीं रहती, बस उनके बीच में सापेक्ष गति हो, कि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए। तो मान लीजिए यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है और प्रकाश स्रोत अथवा प्रेक्षक के गति के कारण उनके बीच की दूरी घट रही है, तो प्रेक्षक द्वारा मापी गई स्रोत की आभासी आवृत्ति न्यू डैश है, तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से हम ये बता सकते हैं कि न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू अंडर रूट वन प्लस वी बाई सी अपान वन माइनस वी बाई सी, जहाँ वी है वो प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की चाल है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है। मान लीजिए स्रोत के प्रकाश की वास्तविक तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, आभासी तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है, तो भी बराबर हो जाएगा न्यू बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा, न्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा सी अपान लैम्डा डैश। इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सी अपान लैम्डा डैश इक्वल टू सी अपान लैम्डा अंडर रूट वन प्लस वी बाई सी अपान वन माइनस वी बाई सी। आप इस टर्म को ये जो अंडर रूट है उसको पावर में आप लिख सकते हैं, वन माइनस वी बाई सी टू द पावर हाफ, वन प्लस वी बाई सी टू पावर माइनस हाफ। इसका जब बाइनोमियल थ्योरम से ये एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा वन माइनस वन बाई टू वी बाई सी प्लस जो और टर्म होंगे वो भी बाई सी के स्क्वायर उसके बढ़ते हुए पावर्स में होंगे, क्योंकि भी की वैल्यू सी से बहुत ही कम है, तो जो उसके स्क्वायर या क्यूब होगा वो और भी कम होगा, उस टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वन माइनस भी बाई सी प्लस वन बाई फोर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, चूंकि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, बी बाई सी से बहुत ही कम है, हम इस टर्म को लेते हैं, सॉल्व करेंगे, हमें प्राप्त होगा लेमडा डैश अपान लेमडा इक्वल टू वन माइनस बी बाई सी, और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा लेमडा माइनस लेमडा डैश अपान लेमडा इक्वल टू वी बाई सी। और लेमडा माइनस लेमडा डैश क्या है, ये तरंग दैर्ध्य में जो कमी है या अधिकता है, डेल्टा ये लेमडा अपान लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा वी बाई सी, ये डेल्टा लेमडा है वो है डॉपलर
विस्थापन, जो ये तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हुआ इसी को हम डॉपलर विस्थापन कहते हैं। जब श्रोता प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी, ये होगा न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी अपान वन प्लस वी बाई सी। इसे तरंग दैर्ध्य में क्या होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी और जो स्पेक्ट्रम में जो वो तरंग दैर्ध्य था वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। तरंग दैर्ध्य में डॉपलर प्रभाव के कारण होने वाली इस वृद्धि को हम अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। और इसी प्रकार ब्लू शिफ्ट है, जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है तो उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी हो जाती है और तरंग दैर्ध्य की इस कमी को नीला विस्थापन कहते हैं। इसे आप चित्र से समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टार या गैलेक्सी है, जो जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये बीच में येलो लाइन की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रही है, यदि यह पृथ्वी से दूर जा रहा है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम की लाइन होगी वो रेड तरफ की शिफ्ट होगी, यहाँ पे होगा अभिरक्त विस्थापन। और यदि ये पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो इसमें ब्लू शिफ्ट होगा, नीला विस्थापन होगा। तो बच्चों आज का हमारा ये जो व्याख्यान था यहीं पर समाप्त होता है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं जिसे आप अच्छे से करिए, समझिए और निश्चित अगर आपको समझ में आया होगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। धन्यवाद।